से मैं कुमार अमित हूँ दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू कस्टमाइज और ब्लॉग और वेबसाइट। तो अपने ब्लॉग और वेबसाइट को हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं मैनुअली। तो दोस्तों ये मेरी वेबसाइट, लेकिन मैं इसको पहले कस्टमाइज कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए जो मेरा ट्यूटोरियल ब्लॉग है मैं उसमें जाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ और ये देखिए ये ट्यूटोरियल है, गाइड मी प्लीज़ ऑनलाइन दैट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। तो हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे ब्लॉगर डॉट कॉम देखता हूँ। मैं पहले ही अपना जीमेल और पासवर्ड टाइप कर चुका हूँ और लॉगिन हो चुका हूँ। तो सीधे मैं ब्लॉगर डॉट कॉम यहाँ पर लिखा, इंटर किया और यहाँ पे पहुँच गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट। तो ये मुझे जो मेरा ब्लॉग है उसका टेम्पलेट ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कस्टमाइज, तो मैं क्या करता हूँ कि कस्टमाइज पर क्लिक करता हूँ और जो कस्टमाइज के जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग जो है वो नीचे शो कर रहा है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा या डाला नहीं है, तो इस वजह से इसमें कुछ चीज़ें दिखा नहीं रही हैं। तो फिर भी ठीक है, हम लोग इसको सीखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है टेम्पलेट्स कितने तरह के, सिंपल है, डायनामिक व्यू है, पिक्चर विंडो, एवेसन। तो यहाँ से आप चाहे तो कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल पहले से क्लिक है, तो यहाँ से ये सिंपल में आ गया। डायनामिक व्यू चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये अभी ये लोड हो रहा है, जैसे कि मेरे नो पोस्ट फाउंड, गाइड मी प्लीज़ ऑनलाइन, ये इस तरह से दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा और इसी तरह बहुत सारे हैं जो आप चाहें वो क्लिक करके देख सकते हैं और अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। ये देखिए एक नए तरह का आ गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे तरह का आ जाएगा। तो मतलब जिस तरह से आप जो टेम्पलेट चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल पे क्लिक करता हूँ और सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ से बैकग्राउंड पर जाता हूँ। बैकग्राउंड से मतलब ये है कि ये जो मतलब अपना ब्लॉग है उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ब्लू पे करेंगे ब्लू हो जाएगा और जितने मतलब आप जो कलर चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और सेलेक्ट बैकग्राउंड इमेज, आप यहाँ से अपने जो ब्लॉग है उसके जो बैकग्राउंड है वहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये दिखाने लगा। ये भी यहाँ पे मतलब बहुत सारे कैटेगरी दी हुई है, आर्ट का है, बिजनेस का है, सेलिब्रेशन और एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी कोई नहीं लेता हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे लेंगे। आपको करना क्या होगा कि आप कोई सभी इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्लॉग में ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी जो है इसको वैसे ही रहने देता हूँ और ऐसा सिंपल और मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट विथ आप अपने जो ब्लॉग है ये चीज़, इसका जो विथ हो कितना होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम हो जा रहा है, ज़्यादा कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 960 और एंटर कर दिया तो ये इस तरह से देखने लगेगा। अब ये देखिए ये दिखा रहा है राइट साइड बार, मतलब साइड बार मतलब ये चीज़ें दिखा रही है कि राइट साइड बार का जो आपका मतलब कि विथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कम ज़्यादा करने से कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से आप इन दोनों की जो विथ है वो चेंज कर सकते हैं। और लेआउट, अब तीसरे चौथे ऑप्शन पे जाते हैं लेआउट। लेआउट को हम लोग ये देखिए जैसे लेआउट मेरा सेलेक्ट है, ये
ये मेरा लेआउट सेलेक्ट है और इसमें इस तरह का दिया हुआ है। देखिए ये एक दो यहाँ भी दिया हुआ है नीचे फुटर में, और इस तरह से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करें या कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसी को रहने देता हूँ फिलहाल में। और अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एडवांस्ड। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए जिससे आप अपने ब्लॉग को अच्छी तरह कस्टमाइज और कलरफुल कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल लुक अपने वेबसाइट को दे सकते हैं। तो पेज टेक्स्ट, जो पेज का टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, ये देखिए यहाँ से जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे ये चेंज होता जाएगा। ये देखिए इम्पैक्ट, टाइम्स एंड रोमांस, तो ये चीज़ें होती हैं। आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर यहाँ से डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, इसको आप चाहे तो कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए कलर यहाँ से चेंज हो गया, मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। और सजेस्टेड कलर यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, मैं इसको एज ए डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड्स, अब बैकग्राउंड की बात आ गई, अब बैकग्राउंड का कलर हम लोग कैसे चेक करें या चेंज करें। तो ये देखिए यहाँ से क्लिक करने से आप अपने बैकग्राउंड का जो भी कलर देना चाहिए चाहे वो यहाँ से दे सकते हैं, या फिर यहाँ से चूज़ कर लें, यहाँ से भी कोई सा भी बैकग्राउंड कलर दे दें, वो आपका बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ये बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और मेन बैकग्राउंड, मेन बैकग्राउंड से मतलब ये है कि ये जो चीज़ आपकी है उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको देता हूँ वाइट, वाइट ही ठीक है, वाइट, इसको वाइट कर देता हूँ। और हेडर बैकग्राउंड, हेडर बैकग्राउंड मतलब ये है, मुराद ये है कि ये चीज़ें, तो यहाँ से आप जो चाहे कलर उठा के दे सकते हैं। मैं इसको ग्रीन ही देता हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। गाइड मी प्लीज़ ऑनलाइन, इसी पे कर देता हूँ। लिंक्स, और अब देखिए यहाँ पे जो लिंक्स है उनका कलर क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वेबसाइट में अभी ज़्यादातर लिंक्स है नहीं, कोई पोस्ट है नहीं, तो अभी ये दिखाएगा नहीं। और विजिटेड कलर कुछ है नहीं अभी इस तरह से, तो ये दिखाएगा नहीं। हाउएवर कलर ये भी नहीं, ये चीज़ें अभी नहीं दिखाएंगी क्योंकि मेरे वेबसाइट में अभी कुछ डाला नहीं मैंने लिंक्स वगैरह कुछ भी। आप अपने हिसाब से डाल के चेक कर सकते हैं लिंक्स के हिसाब से। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे, ब्लॉग टाइटल। ब्लॉग का जो टाइटल है उसका जो टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, एरियल या फिर मतलब उसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे ये चेंज होता जाएगा, और जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। गाइड में प्लीज़ ऑनलाइन, गाइड में प्लीज़, इस तरह से ये चेंज होता रहेगा और आप अपनी वेबसाइट को लुक दे सकते हैं। तो मैं इसको एरियल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, और ये इस तरह से इसका जो पिक्सल साइज है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। बाई डिफॉल्ट ये 60 है, मैं टिक कर दिया ये बड़ा हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ 60 कर देता हूँ, एज इट इज जैसे था। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो साइज दे सकते हैं इसका। सजेस्टेड कलर यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं उठा के, चाहे तो येल्लो दे दें या फिर ग्रीन दे दें, जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर दे सकते हैं। मैं इसको ग्रीन ही रहने देता हूँ। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन अभी मेरे मैंने ब्लॉग में डाला नहीं है क्योंकि ये एज ए ट्यूटोरियल ब्लॉग है, तो इसलिए मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन डाला नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी है डिस्क्रिप्शन का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। टैब, अब आते हैं टैब में, टैब टेक्स्ट, ये टैब का आपका यहाँ से तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये टैब अभी मेरे में इनेबल नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट चेंजिंग। इसको नहीं, तो मेरे को टैब है भी नहीं, तो इसलिए मैं छोड़ता हूँ टैब बैकग्राउंड, इसको भी छोड़ता हूँ। पोस्ट टाइटल, तो मैंने अभी कोई पोस्ट डाला नहीं है, इस वजह से जो है ये पोस्ट का कुछ इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ से कुछ करने पे। जब आप पोस्ट डालेंगे कोई उसका टाइटल होगा, तो वो चीज़ आप जब यहाँ से चेंज करेंगे तो वो
यहाँ पे पोस्ट का जो टाइटल होगा वो आराम से चेंज होता रहेगा। डेट हेडर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेट हेडर यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, इस वजह से ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसको मैं डेट वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा। आप जब कोई पोस्ट डालेंगे तो उसका डेट हेडर आएगा, वहाँ से हम उसको चेंज कर लेंगे। पोस्ट फुटर, फुटर में क्या है, फुटर में मेरा भी कुछ नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। आप लेआउट में जाकर उसको चेंज करेंगे तो वो चीज़ें चेंज होगी। गैजेट्स, अब ये गैजेट्स पे चलते हैं। ये देखिए जितने भी सारे गैजेट्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइटेड हो गए। कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेजेस, गूगल प्लस फॉलोअर, सारे के सारे जितने जितने सब आपके हाईलाइट हो गए। इसको आप चाहे तो टेक्स्ट का इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ये जब जब जब, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ये देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया। आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, और सॉरी मैंने बोल्ड हटा दिया, अभी बोल्ड लगा दिया। इसको एरियल, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर देता हूँ। और टाइटल का जो कलर है वो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ब्लू, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अल्टरनेटिव कलर, चाहे तो आप अल्टरनेटिव कलर, दूसरा कलर भी कुछ चुन सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप चूज करेंगे और वो का चेंज होता रहेगा। इमेजेस, तो मेरे ब्लॉग में अभी कोई इमेजेस है नहीं, तो इस वजह से इमेजेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं कुछ भी चेंज करूँ कुछ आएगा नहीं। तो आप इमेजेस का क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और कैप्शन टेक्स्ट कलर, मतलब आप जो भी इमेज देंगे तो उसका इमेज का बैकग्राउंड का कलर और बॉर्डर कलर और कैप्शन टेक्स्ट। जब आप कोई नया पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कैप्शन का, वहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो ये चीज़ वहाँ से आप उसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एसेंट्स, एसेंट्स तो अच्छा, एसेंट्स से मुराद ये है, ये चीज़, ये जो लाइन है, ये चीज़, उसको उसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर डाल देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। और टैब बॉर्डर, टैब अभी कुछ इसमें खास है नहीं कुछ, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ठीक है, मोबाइल बटन कलर, तो मोबाइल बटन कलर क्या करें, अभी मोबाइल तो हम लोग देख नहीं रहे तो है नहीं, तो बेसिकली इसको हटा देते हैं या छोड़ते हैं इस टॉपिक को। एड सी एस एस, ये बड़ी ही जोरदार चीज़ है। आप यहाँ से कोई सा भी मतलब अपने सी एस एस का जो एक कोड होता है वो चीज़ लाकर आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और अप्लाई टू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपकी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ से आप एड सी एस एस का कोई भी प्रॉपर्टी डाल के यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको सेव कर देंगे तो यह ब्लॉक पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मेरा ब्लॉग जो दिख रहा था इस तरह से था, और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो भी ये इसी तरह ही दिखेगा। ये देखिए इसी तरह दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई टू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ और ये टेम्पलेट अप्लाइड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो जो मैंने सेटिंग की है वो चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए जो मैंने सेटिंग की थी वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि अपने वेबसाइट को मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा डिजाइन ना डालें उसमें, ज़्यादा मतलब वो ना करें। था कि क्या होता है कि शुरुआत में लोगों को बड़ा मतलब वेबसाइट जो होता है उसको देखने में, क्योंकि लोग नए होते हैं तो वेबसाइट ज़्यादातर को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वेबसाइट को सिंपल बनाएं और प्रोफेशनल लुक दें। दो चीज़ें, सिंपल और प्रोफेशनल और नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ भी आप कहीं से भी कुछ भी उठा के डालें, ऐसा नहीं। नेचुरल, प्रोफेशनल और सिंपल होना चाहिए। तीन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने वेबसाइट को ऐड करें और प्रोफेशनल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम, वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्ते। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।